नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको 24 स्लॉट सीलिंग फैन का वाइंडिंग डायग्राम, वाइंडिंग डाटा। ये सिंपल स्लॉट का सीलिंग फैन है जो हाथ से रिवाइंड किया जाता है, वो वाला फैन है जो कि मिनी सीलिंग फैन होता है। तो इसका वाइंडिंग डायग्राम में हम यहाँ पे मैंने 24 स्लॉट्स बना दिए हैं और इसका डेटा भी साथ में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस फैन के अंदर टोटल 8 कॉइल डाली जाती है, 4 रनिंग में, 4 स्टार्टिंग में, और पहले इसमें स्टार्टिंग की डलती है, बाद में रनिंग की डलती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। पिच 1 से 4, 1 से 6 रहेगा। तो सबसे पहले पिच बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 1 से 6, 1 से 4 हो गया, 1 से 6 हो गया, 2 छोड़ गए। तो पहली कॉइल आप डालेंगे स्टार्टिंग की, ठीक है, इस तरह से। एक से चार के अंदर, 1 से 4 में एक बार डालना है, 6 के अंदर 2 बार डालना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आउट तार यहां पे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही पिच बनानी है, 6, 4, 2 छोड़ के, 1, 1, इनर तार लेफ्ट हैंड की साइड। सबसे पहले 1 से 4 के अंदर एक बार, 1 से 6 में 2 बार, वो आउटर पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वही 6, 4, ये खाली छोड़ना है, ये वाला खाली छोड़ना है, ये एक रहेगा, ये भी एक रहेगा, और सेम तरीके से सबसे पहले 1 से 4 में एक बार, 6 से 6 में 2 बार, और फिर आउटर पॉइंट निकल जाएगा। इसके बाद फिर से वही, ठीक है, 2 छोड़ने हैं, 4, 6, एक से चार में एक बार, 1 से 6 में 2 बार कॉइल डालना है। तो इस तरह से स्टार्टिंग कंप्लीट हो जाती है। इसमें पहले स्टार्टिंग डाली जाती है, ठीक है, और बाद में इसमें रनिंग डाली जाती है। तो इसके पहले स्टार्टिंग के कनेक्शन देख लीजिए। पहली कॉइल जो है उसका आउटर तार छोड़ देना, इनर पकड़ना है, दूसरे के इनर से जोड़ देना है, इनर इनर आपस में जुड़ जाएंगे। फिर दूसरे का आउटर पकड़ना है, तीसरे के आउटर से जोड़ देना है, फिर तीसरे का इनर पकड़ना है, चौथे के इनर से जोड़ देना है। ये 2 आउटर बचेंगे, पहले का आउटर, चौथे का आउटर, इसको छोड़ देना है, बाहर निकलेंगे सीधे, इनके कनेक्शन किए जाएंगे। अब बारी आती है रनिंग की। तो रनिंग में आपको, आपने जिस स्लॉट के अंदर डबल डबल कॉइल डाली थी, 1 से 6 वाली 2 स्लॉट्स, इनको स्कीप करना है और पिच बनाना है 1 से 4 और 1 से 6, खाली वाले में 1 से 6, बिल्कुल खाली में 1 से 6, और जिसमें एक बार डाली गई 1 से 4, और जिसमें डबल डाली गई है छोड़ने हैं। तो इनर पॉइंट उसी तरह लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है, 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में 2 बार, और आउटर तार यहाँ पे निकल जाता है। सेम तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये 2 छोड़ने हैं, 1 से 4, 1 से 6, तो सबसे पहले 1 से 4 में एक बार कॉइल, 1 से 6 में 2 बार कॉइल डालना है और आउटर तार निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम तरीके से आगे बढ़ना है, डबल डबल वाले में को छोड़ना है, सिंगल सिंगल वाले में 1 से 4 बनाना है, खाली के अंदर 1 से 6 बनाना है, इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ, 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में 2 बार कॉइल डाल के आउटर तार यहाँ पे निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर सेम टू सेम, ठीक है, ये 2 छोड़ के, 1 से 4 में एक बार,
एक से छः में दो बार कॉइल को मोड़ कर डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाइंडिंग डायग्राम इसका हो गया। अब इसके कनेक्शन देख लीजिए, पहली कॉइल हमने ये डाली है, आप कहीं से भी ऐसे तो कर सकते हो कनेक्शन, लेकिन इसका जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर छोड़ा था आउटर पहले का, तो रनिंग में भी आउटर छोड़ देना है, इनर पकड़ना है, पहली के अंदर दूसरी के अंदर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी का आउटर तीसरे का आउटर के साथ, तीसरे का इनर चौथे के इनर के साथ, और यहाँ पे दो तारें बच जाती हैं आउटर आउटर, दो रनिंग में बच जाती हैं, दो स्टार्टिंग में बच जाती, टोटल चार तार बचते हैं। अब इसका डाटा यहाँ पे हम लिख देते हैं, 24 स्लॉट्स, ठीक है, 24 स्लॉट्स का है ये, और इसका जो स्टेटर साइज है वो आधा इंच का है, स्टेटर साइज, ठीक है, 0.5 इंच। अब बात करते हैं इसके गेज की, SWG की बात करें तो SWG जो गेज है इसका, रनिंग के अंदर 35 नंबर रहेगा, स्टार्टिंग के अंदर भी सेम 35 नंबर रहेगा। अब फर्मी की बात करते हैं, फर्मा जो रनिंग के अंदर है वो 17 इंच रहेगा, ठीक है, और स्टार्टिंग के अंदर जो है वो 15 इंच रहेगा, 2 इंच छोटा रहेगा रनिंग से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टर्न की, टर्न जो इसके अंदर है रनिंग के अंदर दोस्तों 200 रहेंगे, स्टार्टिंग के अंदर भी 200 रहेंगे, सेम रहेंगे टर्न, बस फर्मा 2 इंच छोटा रहेगा, और पिच मैंने इसमें बता ही दिया है आपको, फिर भी मैं डेटा में यहाँ पे लिख देता हूँ, पिच रहेगा रनिंग में 1 से 4, 1 से 6, ठीक है, 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में दो बार कॉइल डाली जाएगी मोड़कर। अब स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में भी 1 से 4, 1 से 6 रहेगी, एक बार डलेगी, दो बार डलेगी 1 से 6 में, ठीक है। और कनेक्शन जो है, कनेक्शन की बात करें एक से तीन में रहेंगे। अब बात करते हैं कैपेसिटर की, ठीक है, 2.50 का यहाँ पे लग जाता है, या फिर आप 3.15 का लगा सकते हो, वैसे बड़ा हो जाता है 3.15 का, स्पीड ना आए तो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2.25 के आसपास आप लगाएं, 2.25 का स्पीड ना मिलने पर लगा सकते हैं, किसी पंखे में अगर स्पीड में कोई दिक्कत हो गई है, टर्न में फ़र्क हो गया है, या कॉइल थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, स्पीड नहीं मिलती, उस कंडीशन में ही लगा सकते हैं। तो ये इसका डेटा हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो थोड़ी छोटी मैंने बनाई है, और ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन बिल्कुल सेम तरीके से करना है, दो रनिंग के तार हैं, दो स्टार्टिंग के तार हैं, ठीक है, या तीन तार बाहर निकाल सकते हैं आप, चार भी निकाल लीजिए आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दो तार रनिंग के, दो तार स्टार्टिंग के, ये रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का है, एक रनिंग एक स्टार्टिंग को लेके एक कॉमन बना दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। इसमें नीली तार जोड़नी है, नीली तार, और जो दो तारें हैं एक स्टार्टिंग की है एक रनिंग की है, रनिंग वाली के अंदर आप रेड तार जोड़ सकते हैं, और जो स्टार्टिंग की बचती है उसमें पीली तार आप जोड़ सकते हैं। बाहर इसमें कैपेसिटर लगाना है, रेड और पीली के अंदर कैपेसिटर लगाना है, और नीली और रेड के अंदर आपको 220 वोल्टेज देने हैं,
तो ये इसके कनेक्शन हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।